नमस्कार दोस्तों, असील फार्मिंग टिप्स चैनल को नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है। अभी सुबह जो मेरा तीन चूजे था, अभी फिलहाल 28 दिन का व एक महीने का आसपास हो गया है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डीमरिंग करेंगे, मतलब कीड़े मारने का दवाई देंगे कि ना। देखिए, मैं आपको एक दिन से एक महीना तक हम वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या करना है। तो देखिए, एक महीना जब हो जाए, मतलब जब 28 दिन बाद एक महीना हो जाए, तो भी हमको चूजे को करना है डीमरिंग, मतलब कीड़े मारने का दवाई देना है। देखिए, आप जब भी कीड़े मारने का दवाई देते हो तो आप सुबह करना है खाली पेट में। जब आप घर से मुर्गा चूजे निकल रहे हो तभी आप सुबह पहले कीड़े मारने का दवाई दीजिए, फिर बाद में आधा घंटे के बाद आपको खाना देना है। देखिए, मेरा तीन चूजे है, अभी हम तीन चूजे को डीमरिंग करेंगे और क्या क्या देना है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले बात है कि आपको देना है, देखिए, अल्बुमार, अच्छे से दिखना चाहिए दोस्तों, अल्बुमार। आपको बाजार में बहुत सारे कीड़े मारने का दवाई मिल जाएगा, लेकिन आपको अल्बुमार लेना है और अल्बुमार आपको 30 ml लाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लाना है। जितना ज़्यादा बड़ा लाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो आपको 30 ml का लाना है। तो 30 ml का आपको आसपास आ जाएगा, 33 rupees आसपास आपका आ जाएगा। देखिए, मैं जैसा हिसाब से बोलूँगा वैसा ही हिसाब से देना। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, एक महीने का चूजे के लिए मैं आज आपको डूज बताऊंगा, वही डूज आपको देना है। दोबारा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि बड़ा मुर्गा कैसे देना है, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ूंगा। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको, एक महीना चूजे को हम कितना कीड़े मारने का दवाई दीजिए, मतलब डीमरिंग कीजिए करना है, ठीक है। तो देखिए, बात है कि आपको सुबह जब भी आपको देना है ये अल्बुमार, आपको रात में नहीं देना है, चीज शाम को नहीं देना है, आपको देना है सुबह खाली पेट में। बहुत सारे बताते हैं आप हफ्ता में एक बार दीजिए, हफ्ता में दो बार दीजिए, ऐसा नहीं करना है, दो महीना में एक बार देना है। अब ये बहुत बहुत बढ़िया दवाई है और ये एक महीना में दो महीना में एक बार आपको देना है तो सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख कैसे देना है, देखिए, ये मेरा दो एक महीने का चूजे है, तो एक महीना में कैसा डोज बनाऊँ देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये अल्बुमार है, ये नया पैक है, मैं नया लाया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसे छोटा वाला ही चीज़ लाता हूँ। छोटा चीज़ लाने से क्या होता है कि हमको कम पैसा भी लगता है। और देखिए, हमारा चूजा एक दो महीना में एक बार करना है, तो हम ज़्यादा बड़ा लाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा रह के, तो हमको छोटा लाना है। छोटा लाने से कोई ख़राब हो जाएगा तो हम फेंक देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा लाओगे तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, तो ज़्यादा पैसा खर्चाने के बाद वेस्ट भी हो जाएगा। तो छोटा लाइए, 30 rupees आसपास आ जाएगा, तो आराम से बेकार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, तो जब नया ला रहा हो तो ऐसा आप इसको थोड़ा सा मिला दीजिए, ऐसा मिला देना है। देखिए, इसका देखिए पूरा, मतलब जैसा व्हाइट व्हाइट है, मतलब व्हाइट व्हाइट पानी जैसा है, देखिए कितना, ये देखिए, ठीक है। तो आपको पहले लेना है, ये हमारा एक महीने का चूजे है, तो हमको थोड़ा पानी लेना है। देखिए, आप 0.5 ml पानी ले सकते हो, 0.5 ml पानी एक ऐसा वाला ढंकन में डाल दीजिए। और आपको अल्बुमार से लेना है दो बूंद। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ एक महीने का चूजे के लिए, मतलब 28 दिन, आप 28 दिन में डीमरिंग नहीं कर पाया तो एक महीने का अंदर आप कर दीजिए, ठीक है। हाँ, हमारा हिसाब है 28 दिन में, 28 दिन में करना बेहतर है, अच्छा है। तो 28 दिन में 29 दिन बाद 30 दिन हो जाएगा, तो एक महीना में कर दीजिए, ठीक है। देखिए, आपको लेना है दो बूंद, ऐसा वाला ड्रॉप्स लीजिए, बूंद बूंद हिसाब से गिरेगा तो हमको आसानी होगा गिनती करने के लिए। देखिए, हमको लेना है दो बूंद, एक दो, ठीक है। तो दो बूंद हमको लेना है, दो बूंद लेने के बाद क्या होना कि ये जो पानी है इसे ऐसा मिला देना चाहिए, ऐसा मिला देना चाहिए। देखिए, ये पानी में मिल गया, डायरेक्ट मत खिलाइए, थोड़ा सा पानी दीजिए, 0.5 ml, मतलब हाफ ml पानी दीजिए और दो बूंद दीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ एक महीने के चूजे के लिए, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक महीने का कैसा देना है वही डूज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बहुत सारे दोस्त है, मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है कि कैसा दें, कितना दें, इसलिए मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा कि एक एक कितना महीना बच्चे को। ये एक महीने के लिए दो बूंद में दिया, देखिए, ठीक है, ऐसा हम पानी ले लिया। तो अभी हम चूजे को देंगे, तो वीडियो में बनी रही। तो दोस्तों, चूजे को ऐसा पकड़ना है, ठीक है, हम जो अल्बुमार का जो पानी बनाए हाफ, मतलब ये अभी हमको खिलाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको ऐसा पकड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा आराम से पकड़िए, पकड़ने के बाद ऐसा मुँह में डाल दीजिए, देखिए आहिस्ता डाल दीजिए, मतलब आराम से देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से। और उसके बाद थोड़ा सा, मतलब जब अल्बुमार खिलने के बाद थोड़ा सा और पानी दे देना, ठीक है। तो खिलाने के बाद दोस्तों, इसको बाहर मत छोड़ना, मतलब जब आप अल्बुमार कीड़े मारने का दवाई देता हो उसको बाहर मत छोड़ना, और वही घड़ी में रखिए, जब आधा घंटा हो जाए तभी खाना दे दीजिए, पानी दीजिए, पानी पीने के बाद उसको आप बाहर छोड़ सकते हो। लेकिन आप अल्बुमार, मतलब कीड़े मारने का दवाई खिला देता हो, उसके बाद आप तुरंत छोड़ देते हो, तुरंत खाना देते हो, ऐसा नहीं करना है। आप खाली पेट में देना है,
कीड़े मारने का दवाई देने के बाद आधा घंटे के बाद उसको खाना देना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम कीड़े मारने का दवाई दे दिए, मतलब जिस दिन हम कीड़े मारने का दवाई दिया उस दिन आप छोड़ दीजिए, वो दिन आप विटामिन कोई लिवर में कुछ मत दीजिए। अगले दिन मतलब आज हम कीड़े मारने का दवाई दिए, कल क्या करना है कि देखिए, शाम को क्या करना है देखिए, हमको लेना है के लीफ। मतलब जब हम कीड़े मारने का दवाई देंगे तभी चूजे का थोड़ा सा क्या होता है कि वो लोग को कमजोरी पड़ता है, तो इसलिए हमको देना है लिवर टॉनिक के लीफ, ठीक है। तो के लीफ कैसे देना है, हाफ मतलब पानी में 2 बूंद 3 बूंद मिला के ऐसा ही शाम को 2 से 3 दिन खिलाइए, शाम को 2 से 3 दिन खिलाए। उसके बाद क्या करना है, भीमराल जो विटामिन होता है और 3-4 दिन ऐसा ही शाम को थोड़ा सा पानी लेके 2 बूंद डाल के ऐसा ही मिला के खिला दीजिए, ऐसा ही 3 दिन खिला दीजिए। फिर क्या होगा कि मुर्गा चूजे जो होता है ना, वो लोग का जो सर्दी वगैरह कुछ मतलब ऐसा ही आपका मुर्गा चूजे घूम रहे तुरंत सर्दी पकड़ लेता है, वही कीड़े मारने का दवाई नहीं मतलब आप नहीं दोगी तो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। जब आप विटामिन कीड़े मारने का दवाई लिवर टॉनिक दे तो वो लोग का हजम भी अच्छा होगा, खाना भी अच्छा खाएंगे, वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।